नमस्कार, न्यूज टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं पयोधि शशि। आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार की। ढाका से लेकर चिटगांव की सड़कों पर कट्टरपंथी जिस तरह से तांडव कर रहे हैं, उससे बांग्लादेश की 125 करोड़ हिंदू आबादी दहशत में है। हिंदू नाम और सनातन पहचान को सीधे टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कट्टरपंथियों का अत्याचार, हिंदू बन रहे शिकार, जिहादी जमात का संदेश, हिंदू मुक्त हो बांग्लादेश। रूपगंज कोनो इस्कन मिस्कन नाम बिना ताहिले किंतु अगर गोपी चंदन तिलक लगाएंगे तो फिर जान गंवाएंगे। तुलसी की माला अगर दिख गई तो समझो जान चली गई। जिहादियों का संदेश, सनातन मुक्त हो बांग्लादेश। कट्टरपंथियों का खुला ऐलान, हिंदुओं की लोचान। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदू नरसंहार का खुलेआम ऐलान दिखाता है कि वहां किस तरह हिंदू आबादी पर कहर टूट रहा है। यही वजह है कि हिंदू नाम और पहचान को छिपाने के लिए मजबूर हो रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू। यही सलाह इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश में अपने सहयोगियों और अनुयायियों को दी है। जिस तिलक और तुलसी माला से इस्कॉन भिक्षुओं और अनुयायियों की पहचान है, उन्हें उसे ही छिपाने को मजबूर होना पड़ रहा है ताकि बांग्लादेश में वो जिंदा रह सके। इस अपील की वजह है कि किसी तरह हिंदू आबादी का वजूद बांग्लादेश में बच सके। एक जो भक्त है उसका पूरा फेस हम देख सकते हैं, पूरा लहूलुहान है, पूरा खून से भरा हुआ, इतनी बुरी तरह से पिटाई की। मैंने वो ट्वीट भी किया है। तो उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि कंठी से लोगों ने अनुमान लगाया कि ये इस्कॉन का भक्त है। इस्कॉन डिवोटीज को आप देखेंगे तो पहचान सकेंगे क्योंकि वो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, बहुत सारे डिवोटी धोती कुर्ता में पहनते हैं। तो यही बताया गया कि अभी क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है तो जब रास्ते या बाहर में जाएँ तो पानी का तिलक कर लें ताकि पता ना चले, और जो कंठी है उसको लंबा करके पहन लें, पैंट शर्ट पहन के जाएँ। तो जब तक सूरज स्थिति ठीक नहीं होती तब तक मेरे ख्याल से ऐसा सावधान रहना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा का प्राइम टारगेट बन गया है इस्कॉन, और इसका सबसे ताजा सबूत है चिन्मय दास के वकील रमन रॉय। रमन इस वक्त आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रमन का चिन्मय प्रभु की अवैध गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में पैरवी करना कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और भीड़ ने रमन रॉय पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। साफ है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं और यूनुस सरकार आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। बांग्लादेश के हुक्मरान और पुलिस भी कट्टरपंथियों के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं अब कट्टरपंथी उनसे जुड़ी अदालती कार्रवाई पर भी अड़ंगा डाल रहे हैं। वकीलों के विरोध प्रदर्शन का यह मंजर बांग्लादेश के चटगांव का है, जहां चिन्मय प्रभु की सुनवाई के खिलाफ वकीलों का एक समूह प्रदर्शन पर उतर आया। राजद्रोह का कथित आरोप झेल रहे चिन्मय दास की जमानत पर 3 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में कोई वकील उनके पक्ष में पेश नहीं हुआ। ऐसे में अब उन्हें 1 महीने सलाखों के पीछे गुजारने होंगे क्योंकि सुनवाई अगले महीने तक टाल दी गई है। चिन्मय कृष्णदास एक जो भी आरोप में गिरफ्तार है, लेकिन जब तक उनको उनके पक्ष में उनके लॉयर नहीं खड़े होंगे और उनको डिफेंड करेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। 1 महीने के बाद का डेट दिया गया है, तो 1 महीना एक साधु सन्यासी किस तरह जेल में बंद क्रिमिनल्स के साथ रहेगा, तो वो भी सुरक्षा को भी लेके हम लोग बहुत चिंतित हैं।
बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर अत्याचार के मुद्दे की गूंज अब विदेश में भी गूंजने लगी है। एक तरफ भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है, वहीं ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेशी हिंदू अल्पसंख्यकों पर जारी जुल्म का मुद्दा उठ रहा है। This UQ is an important subject and has also raised the arrest of the ISKCON leader, and it's a place of worship I too am very familiar with near his constituency. But Mr. Speaker, these are deep and long-standing ties between our two countries, and the minister herself is right to point out that even though she's visited Bangladesh recently, as my honourable friend, the member opposite, has said, the degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence. भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल के अलावा सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के सदस्य और ब्रेंट नॉर्थ के सांसद बैरी गार्डनर ने भी ब्रिटिश विदेश मंत्री से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर संसद में सवाल पूछा। Since the fall of the previous government in August of this year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event. साफ है कि बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर दुनिया भर की नजर है। अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही भारत के पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूज़नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।